जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने कभी घर पे डोसा बनाने का ट्राई नहीं किया है, वो मेरी रेसिपी को फॉलो करके डोसा बनाने का ट्राई जरूर करें। आपका डोसा बहुत अच्छा बनेगा। Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. मसाला डोसा खाना किसको पसंद नहीं है, एंड दिस इज पॉपुलर नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट अक्रॉस इंडिया। और ये लगभग सभी रेस्टोरेंट्स की मेन्यू लिस्ट में पाया जाता है डिफरेंट फ्लेवर्स और वेरिएशंस के साथ। डोसे को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में खा सकते हैं, क्योंकि ये इजिली डाइजेस्टेबल है, लो ऑन कैलोरीज है एंड एक्सट्रीमली एपेटाइजिंग है। डोसे के लिए बैटर बनाने की रेसिपी मैंने अपने पिछली वीडियो में शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस वीडियो को आप देखिए और घर पे रॉ इंग्रेडिएंट से हेल्दी बैटर बनाने का ट्राई जरूर करें। और इस वीडियो को एंड तक देखें और घर पर बनाएं ऑथेंटिक साउथ इंडियन मसाला डोसा। कोई वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल आशिमास किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूले। चलो बनाते हैं मसाला डोसा। सबसे पहले हम डोसे का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए पैन में लगभग 2-3 चम्मच ऑयल को मीडियम फ्लेम पर हीट कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई। जब राई फूटने लगे ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, साथ ही ऐड कर देंगे बड़ा चम्मच चना दाल। इनको अब हम 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लेंगे। वी हैव टू फ्राई देम अंटिल चना दाल टर्न्स लिटिल गोल्डन ब्राउन। उसके बाद ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ हींग, 3-4 सूखी हुई लाल मिर्च एंड 8-10 कड़ी लीव्स। थोड़ा ध्यान रखें, as soon as you add them, they start popping. इनको अब अराउंड 30 सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि मिर्च एंड करी लीव्स अपना फ्लेवर छोड़ दें। उसके बाद ऐड करेंगे एक मीडियम साइज चॉप्ड अनियन। अनियन को हमें ज्यादा फाइन चॉप नहीं करना है। इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसी मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे हम फाइनली चॉप्ड जिंजर अच्छे फ्लेवर के लिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2-3 ग्रीन चिली, 1 को मैंने स्लाइस किया है एंड 2 को चॉप किया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे हम इस मिक्सचर के अंदर 1 चम्मच हल्दी रंग के लिए और नमक टेस्ट के लिए। इनको इवनली कुक कर लेंगे। इनको ज़्यादा भुनना नहीं है, बस उतना कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। लगभग 1 मिनट बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इमली का पेस्ट खट्टेपन के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज बॉइल पटाटो। पटैटो को बॉईल करने के बाद मैश करके ऐड नहीं करना है, इसके थोड़े बड़े पीस रखने हैं। जैसे जैसे हमारा मसाला पकेगा बॉईल पटैटोस मैश होते जाएंगे। इन शॉर्ट आलू फाइन मैश नहीं करना, रफली स्क्वीज करना है। इस मिक्सचर को मिलाते हुए आलू को हम अपने स्पैचुला से फोड़ते रहेंगे एंड अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही रखनी है। और 3-4 मिनट इसको लिड लगा के पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद हमारा मसाला इस तरह से दिखेगा, कलरफुल एंड माउथ वाटरिंग। मिक्सचर को फिर से अच्छे से पका लेंगे। अगर आपका मिक्सचर आपके पैन से चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्टली हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड इनको भी मिला लेंगे अपने आलू मसाले के साथ अच्छे से। धनिया का स्वाद डोसे के आलू मिक्सचर में बहुत ही अच्छा लगता है। अब अपने पैन के लिड को कवर करके हम इसको 30 सेकंड्स के लिए और पकने देंगे। 30 सेकंड्स बाद जब लिड खोलेंगे डोसे का हमारा मसाला बिल्कुल तैयार मिलेगा। अब मैं लूंगी डोसा बैटर, उसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट। इस डोसे बैटर को घर पे बनाने की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखें एंड घर पे इसे बनाने का ट्राई जरूर करें। आपने डोसा बनाने वाले को इस तरीके से पानी छिड़कते हुए जरूर देखा होगा। आपको मैं इसका रीजन बताती हूँ। ये तवे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, डोसा इससे क्रिस्पी बनते हैं। अब हम अपने बैटर को तवे पर स्प्रेड कर लेंगे। इसको राउंड राउंड एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए स्प्रेड कर लेंगे। जब बैटर स्प्रेड करें, कीप द फ्लेम लिटिल हाई सो दैट वी गेट रिड ऑफ ऑल द एक्स्ट्रा मॉइस्चर। उसके बाद इसके ऊपर फैलाते हुए ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड फ्लेम को अब थोड़ा सा लो कर लेंगे। डोसे के ऊपर आप एयर पॉकेट्स देख सकते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ गुड डोसा बैटर फर्मेंटेशन। जब ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो जो हमने पहले आलू वाला मिक्सचर बनाया था उसको अपने डोसे के ऊपर डाल लें और हल्का सा फैला लें।
आप चाहें तो लिड कवर करके इसको 30 सेकंड्स के लिए पकने दें। इससे ये अच्छे से पक जाए। डोसा अब हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक पलटा लेकर कॉर्नर से उठाने का ट्राई करेंगे। जनरली पहला डोसा तवे पे जरूर चिपकता है और इजली नहीं निकलता है। अगर आपके पहले डोसे का ऐसा हो तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो। इसको रोल करके अब हम निकाल लेंगे। इट लुक्स सुपर यमी एंड क्रिस्पी। अब हम फिर से तवे पे पानी स्प्रिंकल करके अपने बैटर को स्प्रेड कर लेंगे। पानी स्प्रिंकल करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर तवे पे तेल होगा तो बैटर चिपक जाएगा एंड बेस स्प्रेड नहीं हो पाएगा। डोसे के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे तेल और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। फिर अपने आलू मिक्सचर को ऊपर थोड़ा सा फैलाते हुए डाल लेंगे और लिड कवर करके फिर से इसको अराउंड 30 सेकंड्स पकने देंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब पलटे से इसको चारों तरफ से धीरे धीरे निकाल लेंगे। मसाला डोसा हमारा बनके तैयार है। इसका कलर काफी अच्छा है और देखने में काफी क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहा है। इसको सांबर के साथ या किसी चटनी के साथ सर्व करें। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। बहुत अच्छे से इवनली कुक हुए हैं, चटपटा और अच्छा बना है। अगर आप चाहते हैं कि डोसे के साथ खाने वाली चटनी या फिर सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।